बट आदमी की ना फैंटेसी भी अलग है। वाओ ब्यूटी, इतना सुंदर लग रहा है। ये नहीं, मम्मी तू पसंद नहीं है तू तेरा तो। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल साक्षी रजत। मैं हूँ साक्षी और ये है रजत और आज इसका बर्थडे भी है। इट हैपेंस टू बी हिज बर्थडे टुडे। और कल रात को हमने ऐसे ही छोटा सा केक में कट करके छोटा मोटा सेलिब्रेशन किया था। छोटा मोटा सेलिब्रेशन किया था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रजत, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। तो मजा आ गया। बहुत बढ़िया था, मजा आ गया। ये भी खा लिया जाए। और अब हम लोग निकल गए घर से तैयार होके। अभी बज रहा है 11:30। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं आज गो कार्टिंग करने, क्योंकि बर्थडे बॉय का मन था गो कार्टिंग करने का। उसके बाद देखते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। काफी सारी चीजें सोची तो है, पर देखते हैं कहाँ पे कितना टाइम लगता है, उसके हिसाब से हम आगे का प्लान बनाएंगे। इस लड़के का बर्थडे हो ना तो प्लान कभी फिक्स हो ही नहीं सकता। गो कार्टिंग हो गया पोस्टपोन क्योंकि धूप बहुत तेज हो रही थी और भूख से बड़ा कुछ नहीं। भूखे पेट ना भजन गोपाला, खाएंगे पहले खाना। तो हम लोग आ गए हैं फेमस बिदड़ी की थट्टे इडली खाने। ऑन द वे ही था, तो हम वैसे भी मैसूर जाने का प्लान कर रहे थे और रास्ते में बिदड़ी पड़ता है, तो हमने सोचा पहले थट्टे इडली खा लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये जगह है जहाँ पे हम खाने वाले है, इसका नाम है श्री शिवा दर्शना शशि थट्टे इडली। ऑप्शंस में ये सब है। बॉय इतना सारा बटर ऑन योर थट्टे इडली। उलाला घर का बटर है थोड़ा सा। हॉट एकदम उन्होंने निकाला मेरे सामने इसमें से। कैसन बा? बहुत ज्यादा अच्छा है यार ये। आ गया यार, मतलब 85 रुपीज में हमने पेट भर के खा लिया। और कितनी सॉफ्ट इडलीज थी यार, मतलब अल्ट्रा 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 सॉफ्ट। मजा आ गया। गुड प्लेस। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट रैंडमेस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन एवर। हम लोग रुके गन्ने के जूस के लिए और हैंड ब्रेक नहीं लगाया था सर ने, मतलब सड़क पे कहीं पे भी रोक के खड़ा हो गया लड़का। ये देखिए आदमी की ना फैंटेसी भी अलग है, मतलब गन्ने का जूस पी रहा है। मजा नहीं लाए। कैसा है? Another trench of carb load. पर अच्छा है, बढ़िया है, रिफ्रेशिंग ना। हम रुके हैं आउट ऑफ नो वे, ऐसी चलती रोड थी और हम रुक गए। इंडिया में सबसे बड़ी इंडिया की शुगर मिल फैक्ट्री है। आई थिंक एशिया की सबसे बड़ी है। yes. चेक करके बताना पड़ेगा। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट्स में बता देना कि है या नहीं, या महाराष्ट्र में ही है सबसे ज्यादा। गर्मी के बाद पेश है खुश। बड़े परेशान थे गर्मी से। मस्त बारिश हो गई एकदम। हैप्पी बर्थडे। हम लंच करने वाले हैं यहाँ पे। तो एक फ्रेंड ने मैं रिकमेंड किया था गुजराती राजस्थानी टाइप का अगर खाना खाना है मैसूर में तो कम टू दिस प्लेस कॉल्ड पुरोहित रेसिडेंसी। काफ़ी पुराना रेस्टोरेंट है और देसी घी में बना हुआ गुजराती राजस्थानी खाना मिलता है यहाँ पे। लेट्स सी कैसा है खाना। ऑल द वे मैसूर आए बैंगलोर से खाना खाने। पुराना रेस्टोरेंट है भैया ये। 28 इयर्स 1994। अरे पहले पीछे था अच्छा क्या। अरे वाह। ढोकला मेरे को 2 पीस है। मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया टेस्ट, बहुत अच्छा है। उनका देखिए भाई साहब इतना ज्यादा सॉफ्ट एंड घी। लव इट लव इट लव इट लव इट। बहुत टेस्टी है यार। मेरी लाइफ का बेस्ट श्रीखंड है ये। बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा। पूरा चट कर दें। एक और मंगाया जाए। इससे ज्यादा हो नहीं पाएगा पर आई विश मैं आपको टेस्ट करा पाती। इतना अच्छा है। बिल्कुल नहीं सोचा था मैसूर में आके इतना अच्छा गुजराती खाना मिलेगा। दाल भी पता है मीठी थी, तुमने खट्टी मीठी थी। हाँ खट्टी मीठी दाल थी। मजा आ गया। अगर आप लोग मैसूर आ रहे हो ये जगह अगर आपको घर का और ऐसे होममेड टाइप का खाना खाना है ना तो पुरोहित और अनलिमिटेड थाली एंड फॉर अ वेरी रीजनेबल प्राइस। और ठीक है घंटा घर तो आप बिल्कुल बिल्कुल पैलेस देखो जरूर आना। सामने ही पैलेस रजत बोल लेते हैं, अच्छा रहेगा हमारे लिए, हम सबके लिए। पैलेस भी घूम लेंगे हम। ये रहा पैलेस जहाँ रजत मुझे अभी नहीं ले जा रहा है। इसका बर्थडे है तो कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। बंद है भैया, बंद नहीं होता है, बंद है। मैं चेक कर लेता हूँ। आधा दिन ऐसे ही कट रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस का ऑफिस इतना ग्रैंड कैसे हो सकता है। मुझे जाना यहीं पे। क्या मैं बच्चों की तरह कर रही हूँ, एक बार बताना चाहिए। और क्या पैलेस कितनी बार गई हो? पैलेस एक बार गई हूँ। प्लीज साक्षी 2 बार गई हूँ। तो है भी तो इतना ग्रैंड। 3 बार गई हो। तुम्हारा बर्थडे से कुछ कह नहीं रही हूँ वरना तुम्हें पैलेस ही ले जाती हूँ। बर्थडे पे इसकी बात माननी पड़ रही है ना। अरे पहले पहले चेक कराते हैं। तुम जो पैदा हुए थे तो डॉक्टर ने क्या कहा था? बधाई हो, खड़ूस पैदा हुआ है। ये खड़ूसी क्यों है तुम्हारे में? बात बताओ। ऐसा ही हूँ, ऐसा ही हूँ मैं। तो हम लोग जा रहे हैं चामुंडी हिल्स पे। चामुंडेश्वरी टेम्पल है वो देखने। और वहाँ की स्टोरी ये है कि चामुंडेश्वरी जो गॉडेस थी उन्होंने महिषासुर का वध किया था और इसीलिए दशहरा पे उनकी काफी पूजा की जाती है यहाँ पे मैसूर में। और वो कुल देवी है मैसूर के राजा की। कुल देवी है मैसूर के राजा की। तो हम वही देखने जा रहे हैं। हम पहले भी कई बार जा चुके हैं बट रजत वांटेड टू गो टू चामुंडेश्वरी टेम्पल तो हम जा रहे हैं आज इनके बर्थडे के उपलक्ष्य में। रास्ता बहुत ही अच्छा है क्योंकि हिल पे सिचुएटेड है। ऑफ कोर्स काफी ग्रीनरी है, यहाँ से व्यू भी दिखता है बीच बीच में। हाँ यार मंदिर के बाहर तो इतना सब साज सजावट, खरीदने का सामान। बना हुआ है ना पर बहुत ही सुंदर लग रहा है। ब्यूटीफुल। तो हो गए बहुत बढ़िया से दर्शन और अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं पैलेस टाइम पे पहुंच पाएंगे या नहीं। प्रोबेबिलिटी तो काफी कम लग रही है। इट्स सो प्रिटी, इट्स सो 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 प्रिटी। बहुत ही सुंदर व्यूज है यहाँ। हीरालाल हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। वाओ ब्यूटी। बेहतरीन बेहतरीन राज्य है, इतना ज्यादा सुंदर है ना, मजा ही आ जाता है रोड ट्रिप करने में कर्नाटका में। इतना सुंदर लग रहा है यार, ये नहीं मेरी तेरे आगे आगे हारी खूब लगी मुझको तेरी बीमारी। इतनी रियल फील है लड़का, क्या होगा। Guys, this was all about रजत बर्थडे व्लॉग। शुरू हुआ था ये गो कार्टिंग के प्लान से, उसके बाद प्लान हुआ सूला विनयार्ड जाने का, वहां भी हम नहीं गए, और उसके बाद हम लोग पहुंचे मैसूर। मैसूर में भी पैलेस नहीं गए, रजत को चामुंडा हिल्स चामुंडेश्वरी टेम्पल जाने का मन था तो हम लोग वहां गए और बस वापस भी आ गए। आज ही वापस आ गए, आज सुबह ही गए थे। रोड ट्रिप काफी फन थी और इतना ज्यादा ग्रीन और रखा था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा था रोड ट्रिप का फन किया है एंड मुझे बहुत मजा आया, रजत को भी आई होप मजा आया हो। और आप लोगों ने अगर एंजॉय किया है वीडियो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि आप लोग ऐसे रैंडम प्लान्स बनाते हो क्या बर्थडे के लिए, मुझे कमेंट करके बताना। एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। हैप्पी बर्थडे टू यू, many girlfriends to you, many girlfriends to you।